आज आप सीखेंगे सर्व्स प्लस बोथ प्लस एज एंड और एज का प्रयोग अंग्रेजी बोलते और लिखते समय कब, कहां और कैसे करते हैं। क्या आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सर्व्स प्लस बोथ प्लस एज एंड और एज का प्रयोग किताब की किताब और दोस्त की दोस्त इस तरह के वाक्य बनाने के सेंस में करते हैं। कई बार आप लोग हिंदी में बोलते होंगे, वह दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन है ना, या किताब की किताब दोस्त की दोस्त है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इस तरह के वाक्य अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो इससे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सर्व्स, उसके बाद बोथ, बोथ के बाद एज, एज के बाद नाउन, नाउन के बाद एंड, एंड के बाद एज और उसके बाद फिर नाउन का प्रयोग होगा। एक बार और, सब्जेक्ट प्लस सर्व्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सर्व्स एस लगाइएगा, यदि प्लुरल होगा तो एस नहीं लगाएंगे सर्व्स में, ठीक है, सिर्फ सर्व लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस सर्व्स प्लस बोध प्लस एज प्लस नाउन प्लस एंड प्लस एज प्लस नाउन का प्रयोग हम करेंगे। अंग्रेजी सीखना आसान उन्हीं के लिए होता है जो एक बार नहीं बार बार प्रयास करते हैं, तो प्रयास मत छोड़िए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वाक्य सेंटेंस बनेगा कैसे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने, यह किताब की किताब और दोस्त की दोस्त है। दिस सर्व्स बोथ एज बुक एंड एज फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वह पिता का पिता और दोस्त का दोस्त है। ही सर्व्स बोथ एज फादर एंड एज फ्रेंड। वह पिता का पिता और दोस्त का दोस्त है। ही सर्व्स बोथ एज फादर एंड एज फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यह घर का घर और मंदिर का मंदिर है। दिस सर्व्स बोथ एज होम एंड एज टेम्पल। यह घर का घर और मंदिर का मंदिर है। दिस सर्व्स बोथ एज होम and as temple. Next sentence, वह manager का manager और doctor का doctor है। He serves both as manager and as doctor. है ना आसान? बहुत ही आसान है। वह manager का manager, doctor का doctor है। He serves both as manager and doctor. Next sentence, वह भाई का भाई और दुश्मन का दुश्मन है। He serves both as brother and enemy. He serves both as brother and enemy. यह कार की कार और घर का घर है। This serves both as car and as home. यह कार की कार और घर का घर है। This serves both as car and as home. Thank you for watching this video. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।